है एवरीवन वेलकम टू जुडिशरी प्लस सो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये कंसर्न मोस्टली उन सारे कैंडिडेट्स को होता है जो कि मेनली जस्ट पास आउट होते हैं मे बी वो एलएलबी हो या एल एल हैं एंड हम केस जीतते हैं तो मतलब ये जो कोर्ट वाला प्रैक्टिस है ये लिटिगेशन होता है एंड दूसरी चीज है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट क्या होता है कॉर्पोरेट वो होता है जो कंपनी में काम करते हैं मे बी वो लॉ फॉर्म हो बी वो किसी कंपनी में एज अ इनहाउंस इन इनहाउस काउंसिल काम कर रहे हो तो बहुत सारी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर वो काम कर सकते हैं कॉर्पोरेट के अंदर तीसरी जो चीज होती है जो जुडिशरी होती है एंड जिसके तरफ पेरेंट्स स्टिल्टेड होते हैं क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको एक रिप्यूटेड जॉब मिल जाए उनके बच्चों को सारे करियर स्कोप है एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए बट ये तीन मेनली है जिसमें एक लॉ स्टूडेंट होता है जस्ट कॉलेज के बाद पास आउट होने के बाद या जब वो लास्ट ईयर के पास आने लगता है ना तब तो भी कंसर्न आ जाती है कि हमें क्या चूज करना चाहिए तो आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट में हमें क्या चूज करना चाहिए एंड चूज करने के लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया लिख के रखे हैं नोट्स में जिसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेटर ऑप्शन है जुडिशरी के बारे में भी मैं लेकर आऊंगी वीडियो लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस में बताऊंगी उसके बाद ये आप पर है आप डिसाइड करिए दोनों चीज देख करके कि आपके लिए आपके बिहेवियर के हिसाब से आपके चॉइस के हिसाब से और आपको क्या सूट करता है क्या आप लिटिगेशन की तरफ जाना पसंद करोगे या कॉर्पोरेट की तरफ जाना पसंद करोगे जुडिशरी के लिए मैं फिर से बताऊंगी एक और वीडियो में आज बस लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट के बारे में ठीक है तो जो डिफरेंसिएट मैंने नोट करके रखा है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है अगर आप एक लिटिगेटर बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए यू मस्ट लव टू आर्ग्यू ठीक है आपको आर्ग्यूमेंट करने में मजा आ जाना चाहिए आर्ग्यूमेंट कोर्ट uh, में जो है वो करना पड़ता है आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ता है आ, आ, वहां पे जाके जज के सामने आपको कॉन्फिडेंटली अपना केस प्रेजेंट करना पड़ता है तो लिटिगेशन में जो है मेनली वहां पे आपको आर्ग्यू करना है होता है तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो थोड़े सोशल हो तो ये आपको बेस सूट करेगा क्योंकि वहां पे आपको दस लोगों के सामने वहां जजेस होते हैं बहुत सारे विटनेस होते हैं और भी काफी लोग होते हैं उनके सामने आपको बोलना पड़ता है तो अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप जा सकते हो एक्सट्रोवर्ड या सोशल स्किल पब्लिक स्पीकिंग स्किल तो आप अच्छे से वो कर सकते हो और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ये डेवलप की जा सकती है ये ऐसी स्किल्स है तो आपको आर्ग्यू करना अगर मजा आता है तो आप जरूर लिटिगेशन में जाए एंड कॉर्पोरेट में ना जाए ठीक है दूसरी चीज जो है एक पॉइंट जैसे मैंने आपको लिटिगेशन के बारे में अच्छा बताया वैसे ही दूसरी चीज क्या है अर्निंग के बारे में आते हैं अर्निंग जो है अर्निंग लिटिगेशन में क्या होता है इनिशियल स्टेज पे काफ़ी नॉमिनल होता है अर्निंग क्योंकि जो आपको उस टाइम में आपकी लर्निंग स्टेज होती है एंड उस टाइम में सीनियर्स जो पे करते हैं वो उतने उतना अच्छा पे नहीं करते हैं एंड इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल होता है इनिशियल थ्री फोर इयर्स उसके बाद अगर आपकी uh, जो है प्रैक्टिस हो होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आप अच्छे से सब कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये भी जो है डिपेंड करता है अगर आपकी लिटिगेशन स्टैब्लिश हो गई तब तो आपकी बहुत ही मतलब बहुत अच्छी करियर बन जाएगी फिर आ, कि पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है कितने भी पैसे आएंगे लिटिगेटर से ज्यादा और कोई नहीं अर्न कर सकता है ठीक है तो कोई सीमा नहीं है वहां पर लेकिन वो ऐसी चीज है कि बहुत सारे अवेलेबल है बट कॉर्पोरेट में क्या होता है इनिशियल स्टेज पे ही आपकी अर्निंग काफी अच्छी हो सकती है वहां पे पैकेज जो है वो अच्छी खासी देते हैं द दे इनिशियल स्टेज जहाँ पे आपको वो लोग ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे स्टिल वो आपको अच्छा पैकेज देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ट्रेनिंग एक बार प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपसे वो इतना काम ले सकते हैं जितना वो स्टार्टिंग में दे रहे थे वो जस्टिफाई हो जाएगा तो स्टार्टिंग सैलरी अच्छी होती है तो अर्निंग का देखा जाए तो प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको कॉर्पोरेट के साइड तो आप भी एक ऐसे लिस्ट बना सकते हैं मेरे साथ जहाँ पर

तो अगर हम कनेक्शन क्लाइंट से कनेक्शन की बात देखिए तो लिटिगेशन में क्या होता है हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्लाइंट से हम डायरेक्टली देखते हैं कि उनका क्या इशू है उनकी क्या प्रॉब्लम है हम वन टू वन उनसे डिस्कशन करके उनकी इशूज जानते हैं एंड सब कुछ हमारा डायरेक्टली उनसे कंसल्टेशन होती है तो बहुत ही बेटर होता है कनेक्शन करना डायरेक्टली कनेक्ट करके आप उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हो एंड देन उस हिसाब से आप अपना जो है आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करके डिफेंस प्रिपेयर करके सब कुछ जाके कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हो ठीक है ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है बट ये डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कॉर्पोरेट में मिसिंग होता है कॉर्पोरेट में डायरेक्ट कनेक्शन आपको क्लाइंट में बहुत ही कम मिलेगा यस लॉ फॉर्म में आपको डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है लेकिन वहां पे भी ये जितने भी एसोसिएट्स होते हैं सबको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता जो सीनियर लेवल पे होते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है एंड कभी कभी जैसे अगर आपको ड्राफ्टिंग करनी है तो वहां पे केस पे जाकर आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि क्या है उनका इशू एंड देन ड्राफ्टिंग कर सकते हैं जो भी जैसा भी प्रॉब्लम है जो भी लीगल उनको ओपिनियन चाहिए तो उसके हिसाब से डिस्कस होती है बट सारे इंप्लॉइज से नहीं होती है सीनियर लेवल पे ज्यादातर यह होती है इन हाउस काउंसिल के बात, में बात करते हो तब तो कनेक्शन बहुत कम होता है क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आया होता है एंड देन वो उनके जो इंटरनल टीम होती है वो उनको प्रोजेक्ट समझाती है देन वो होता है वैसा

चौथे पॉइंट पे लोगों को पसंद है कि हम नाइन टू फाइव का जॉब करें एंड दैट्स इट उसके बाद हमारी वर्क लाइफ बैलेंस भी हो और हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी फुल्ली एंजॉय कर सकें ठीक है लिटिगेशन में ये जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है थोड़ा सा सही होता है क्योंकि वहां आपकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है और आपका जो काम होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप खुद के लिए काम कर रहे होते हो तो वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं होता है तो वहां पे मतलब आपका जिस तरह से आपको काम हो उस तरह से आपका टाइम डिवोट होता है अगर काम बहुत ज्यादा है तो लोग लेट नाइट तक काम करते हैं मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करते हैं काम कम हो तो आपकी लीव हो सकती है लेकिन कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है तो ये प्रॉब्लम है उसमें रूटीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अगर फिक्स टाइमिंग नहीं होती है लेकिन दूसरी साइड आप अगर कॉर्पोरेट साइड आओ तो आपकी टाइमिंग जो है वो फिक्स होती है ठीक है आपको एक नाइन टू फाइव जॉब करना डिपेंड अपॉन द टाइमिंग ऑफ द कंपनी और लॉ फॉर्म वो जॉब करना है उसके बाद आपको इतनी फिक्स सैलरी मिलेगी आपकी लाइफ सॉर्टेड अगर आपको सॉर्टेड लाइफ चाहिए तो कॉरपोरेट में आपको ये चीज मिल जाएगी आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस होगा और आप फैमिली एंड वर्क दोनों को इक्वली लेके चल सकते हो हैप्पीली ठीक है तो ये चीज हमारी एक और कॉर्पोरेट को पॉइंट देती है ठीक है एक और चीज जो डेस्क जॉब में होती है कॉर्पोरेट में क्या होता है आप एक जगह पे बैठे ही आजकल सब लैपटॉप पे काम हो जाता है आपको दौड़ने की जरूरत नहीं होती है लिटिगेशन में ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है कि बहुत दौड़ना भागना पड़ता है विटनेस को आपको कन्विंस करने के लिए जाना पड़ेगा क्लाइंट से मिलने के लिए जाना पड़ेगा फिर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा प्रिंट आउट करके फाइल बनाना होगा हर चीज का दौड़ भाग करना पड़ता है जब आप सीनियर लेवल पे चले जाओगे तो ठीक है आप एक प्यून रख सकते हो इन सब चीज के लिए दौड़ भाग करने के लिए लेकिन स्टिल आपको क्लाइंट के लिए पास जाना होगा विटनेस के पास जाना होगा ये चीज के लिए तो आपको दौड़ भाग करना ही पड़ेगा ठीक है इससे आप कहीं बच नहीं सकते हो बट इनिशियल स्टेज में तो ये भी नहीं है आप यून भी नहीं रख सकते हो, आपको खुद ही सब कुछ करना है सारी चीजें प्रिंट आउट करवा के कोर्ट में जाने से पहले आपको सब कुछ रखना है तो वो भी एक हेक्टिक टास्क हो जाता है जो कि आप कॉर्पोरेट में नहीं पाते हो वहां पे आपको कोई एक जगह पे बैठ के काम करना है मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्योंकि में जब आप जॉब करते हो मेजोरिटी आप जब इनहाउस काउंसिल होते हो तो आपको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं होता तो आपको डेस्क जॉब होती है वहां पे भी लीगल जॉब इंटरेस्टिंग जॉब होती है ऐसा नहीं है कि मोनोटोनस वर्क होता है डेस्क जॉब है तो नहीं ऐसा नहीं है बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्क आते हैं एंड कर सकते हो डिपेंड अपॉन योर जॉब प्रोफाइल ठीक है uh, तो ऐसा नहीं है कि बोरिंग ही होता है कॉर्पोरेट लाइफ इंटरेस्टिंग भी होता है बहुत सारे क्योंकि लॉ ऐसी चीज है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तो उसमें भी बिजनेस में भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं ना जो कि बहुत ही आपको ना इंटरेस्ट लगाएंगे आपको ओपिनियन देने में भी आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें लीगल ओपिनियन किस तरह से दिया जाए तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है और डेस्क जॉब होता है तो इधर उधर भाग करने की जरूरत नहीं होती है ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता सब कंप्यूटर पर हो जाता है ठीक है तो ये एक और पॉइंट कॉर्पोरेट की तरफ हमारा उसके बाद आ, ये क्या अब लिटिगेशन में क्या होता है हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क मिलती है इनिशियल स्टेज में तो हमारी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है तो हम सिविल केसेस भी लेते हैं हम क्रिमिनल केसेस भी लेते हैं हम फैमिली केसेस भी लेते हैं आ, आई केसेस भी लेते हैं तो बहुत तरह की केसेस जो है हम लेते हैं एंड उसे डील करते हैं तो अलग अलग तरह के काम करने से हमारी नॉलेज भी एक्सपेंड होती है और हमारे हमें एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों का देन हम डिसाइड करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट या क्या है हमारा एक्सपर्टाइज क्या है एंड देन हम अपना एक्सपर्टाइज चूज करके उसमें ज्यादा काम करते हैं ठीक है ये होता है लिटिगेशन का जो कि वर्क थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है अब कॉर्पोरेट में क्या होता है डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल अगेन ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है अगर आ, क्या होता है ना थोड़ा रिपीटेशन हो जाता है काम का ठीक है क्योंकि वहां क्या होता है ना वो बल्क में आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं बल्क में काम आता है जो कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्क होता है अब आपके जॉब प्रोफाइल वहां हर डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग असाइन है अब आपका जो रोल है आपको उसमें अगर चार पांच चीजें हैं तो आपको बस वो चार पांच चीजें करनी है तो थोड़ी वर्क जो होती है ना सिमिलर काइंड ऑफ वर्क हो जाती है थोड़ा उसके कारण मोनोटोनस हो जाता है तो कभी कभी एंड अगेन आई एम टेलिंग यू इट डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल तो अगेन इस पॉइंट में मैं एक पॉइंट लिटिगेशन को दूंगी क्योंकि थोड़ा वर्क वहां पे इंटरेस्टिंग हो जाता है एक चीज है एफर्ट टू मेक क्लाइंट तो लिटिगेशन में जो है काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं क्लाइंट बनाने के लिए क्योंकि हमारा बना बनाया क्लाइंट तो है नहीं हम रोज कोर्ट जाते हैं कोर्ट में बैठते हैं क्लाइंट आते हैं तो आप देखोगे कि कितने नो, नोटरी वाले लॉयर्स होते हैं जो वहां बैठते हैं और आप कोर्ट घुसोगे और वहां पे सबको बोलने लगेगा सर 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 मैडम आपको कुछ कराना है मैं करता हूँ ये करता हूँ अरे उधर बच जाइए इधर आइए जैसे कि आप कपड़े खरीदने गए तो वो चीज है कि जिनके पास क्लाइंट नहीं होता ना उनकी बुरी हालत भी हो जाती है नोटरी करने के लिए लोग मारा मारी करते हैं तो वो चीज है बट अगर आप में स्किल है तो आप आगे बढ़ सकते हो तो ये चीज तो है कि वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है आपको क्लाइंट बनाने के लिए क्योंकि बहुत कंपटीशन है बहुत लोग खड़े हैं जो कि क्लाइंट बना चुके एक बार किस ट्रस्ट बना लिया एक बार आपने काम अच्छा करके दिया तो वो वाला क्लाइंट आपके पास ही आएगा तो दूसरे के पास आना बहुत मुश्किल है दूसरे के क्लाइंट को लेना भी बहुत मुश्किल है तो वहां बहुत एफर्ट लगता है क्लाइंट बनाने के लिए जो कि कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट में आपको क्लाइंट बनाना नहीं पड़ता कंपनी लाके आपको क्लाइंट देती है आपको उसके लिए बस वो काम करना है तो आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि क्लाइंट जो है मुझे बना लेकर आना है मैं कहाँ से लाऊंगा आज क्लाइंट नहीं मिला तो मैं कल क्या करूंगा या करूंगी तो ये टेंशन आपको नहीं है आपको ये सॉर्ट ऑफ वर्क करना है आपको फिक्स सैलरी मिलेगी ठीक है सैलरी आपको कम लगती है तो आप स्विच कर सकते हो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या हर साल इंक्रीमेंट होता है उसमें अच्छे से निगोशिएशन करके आप सैलरी बढ़ा सकते हो तो ये चीज़ जो है मैं कॉर्पोरेट को देना चाहूंगी क्योंकि वहां पे क्लाइंट बनाने के लिए एफवर्ट नहीं लगते जो कि बहुत ही अः अच्छी चीज है एंड टेंशन उसके लिए नहीं होती जो कि लिटिगेशन में बहुत टेंशन होती है क्लाइंट बनाने के लिए ठीक है अब एक चीज है कि लिटिगेशन में इंटरेस्ट तो है मुझे ठीक है लेकिन मैं हूं इंट्रोवर्ट मुझे दस लोगों के साथ में जाना पसंद नहीं है ठीक है दस लोगों के सामने बात करना पसंद नहीं है ज्यादा मैं बात नहीं कर सकती ज्यादा लोग आते हैं तो मुझे नर्वसनेस होने लगती है तो ऐसे केस में क्या होता है ना लिटिगेशन एज अ करियर चूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि पहले तो आपको ओवरकम करना होगा आपका तो जो नेचर है उसको आपको थोड़ा सा सोशल बनाना होगा क्योंकि लिटिगेशन के लिए आपको सोशल पर्सन होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको दस लोगों से बात करना होता है चाहे वो आपको क्लाइंट बनाने के लिए क्लाइंट भी आपका तब कोई आपको पैसे तभी देगा जब वो आप स्किल से कन्विंस होगा तो उसके लिए बहुत एफर्ट लगती है एंड जो है उसके लिए आपको सोशल होना बहुत जरूरी है आपको सब लोगों को सबको पता होना चाहिए कि मिस्टर एंड डैस और मिस एंड डैस इज सम लॉयर एंड हु इज वर्किंग फॉर दिस इन दिस फील्ड इन दिस कोर्ट तो इस चीज के लिए एंड देन इज गुड पर्सन ऑल्सो हि इज गुड एट वर्क तो ये सारी चीजें अगर होंगी ना तभी जाके कोई इंसान आपके पास आएगा और उसके लिए आपको दस लोगों से बात करना बहुत जरूरी है अपनी पहचान बनाना बहुत जरूरी है तभी आपके पास क्लाइंट आएंगे अदरवाइज नहीं आएंगे ठीक है दूसरी चीज आर्ग्यूमेंट भी करनी होती है जाके वहां पे जज के सामने जज इज अर्नेड पर्सन तो वहां पे आपको कुछ भी आप नहीं बोल सकते हो ना आपको बहुत प्रिपरेशन करके जाना होगा वहां उतने लोगों के सामने बोलना होगा तो सोशल होना बहुत जरूरी एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है ठीक है लिटिगेशन में जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है कॉर्पोरेट में क्योंकि वहां डेस्क जॉब होता है उतनी इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है तो थोड़ी चिल लाइफ है तो उतना ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती है वहां पे कि आपको एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है आपको सोशल होने की जरूरत है आपको सॉर्ट ऑफ वर्क करना है उसके लिए आपको सैलरी मिलेगी तो दिस फॉन्ड ऑल्सो गोज टू कॉर्पोरेट इफ यू आर इंट्रोवर्ट बट इफ यू आर एक्सट्रोवर्ट एंड स्टिल वॉन्ट चूज कॉर्पोरेट देन दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू नथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ज्वाइनिंग कॉर्पोरेट बिकॉज इट्स अल्टीमेटली योर चर्च इंट्रोवर्ट भी जा सकते हैं लिटिगेशन में आप अपना स्किल पे काम करो एंड देन वर्ल्ड इज योर्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस मैं एज अ बेसिक बता रही हूँ यहाँ पे ठीक है एक और पॉइंट है कॉर्पोरेट में क्या होता है ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाती है वहां पे थोड़ी ठीक है अब यहाँ पे लिटिगेशन में वैसी ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होती है लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल पॉलिटिक्स है ही नहीं क्योंकि वहां पे भी जो है एक एक लॉयर दूसरे लॉयर के अगेंस्ट करते हैं काम उनसे क्लाइंट लेने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजें होती है वहां पे भी तो पॉलिटिक्स तो एक तरह से होती है लेकिन जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती है क्योंकि ऑफिस में क्या होता है आपके सीनियर जो है वो आपसे कन्विंस होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा अप्रेजल दे हर साल ठीक है उसमें अगर कोई दूसरा बंदा जो नहीं चाहता कि आपको उतनी अच्छी अप्रेजल मिले और उसको ज्यादा अच्छी मिले तो वो जाके अपने सीनियर से बोल सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि पॉलिटिक्स करके लोग आगे बढ़ते हैं जो कि मिसिंग है यहाँ पे क्योंकि लिटिगेशन में क्योंकि कोई किसी का हेड नहीं होता है सब अपना इंडिपेंडेंटली जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक और पॉइंट जाता है यहाँ पे लिटिगेशन पर तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता दू जैसे बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कॉर्पोरेट में बेसिकली करते क्या है वहां पे बैठ के हम कंप्यूटर में करते क्या है तो बहुत सारी चीजें होती है कंपनी में एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो वहां पे बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट होते हैं ठीक है थीके? तो वो लीगल डिस्प्यूट्स के लिए अगर कोई भी टीम है या वेरियस टीम होती है कंपनी में उनको कोई भी लीगल इश्यूज आ रहा है तो वो जो है उस कंपनी की लीगल टीम को कंसल्ट uh, करके अपना लीगल इशू जो है रिजोल्व करा सकते हैं एक होता है जॉब प्रोफाइल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग वेटिंग और रिव्यूइंग सो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी जो चलती है वो किसी एक चीज से नहीं चलती कंपनी कोलेबोरेट करती रहती है वेरियस अदर कंपनी से अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए अपने डिफरेंट क्लाइंट से कोलेबोरेट करती है ताकि वो उसको कुछ काम दे वो उसको पैसे दे फिर जो है दूसरी कंपनी भी किसी और से कोलेबोरेट करती है ताकि वो भी उसको कुछ काम दे तो एक से नहीं चलता सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे की मदद लेके करते हैं तो बहुत सारे अग्रीमेंट्स होते हैं और वो अग्रीमेंट्स भी जो है रिव्यू लीगल टीम करती है तो एक बहुत ही बड़ा टास्क है एक कंपनी में लीगल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं बहुत अच्छी खासी भी होती है कॉरपोरेट में जो ये सारी चीजें होती है और ये जो चीजें मैं बता रही हूँ अच्छे जॉब में क्वालिफाई सारे थे डिफ्रेंसिएटर्स पॉइंट जो कि एक लिटिगेशन और uh, कॉरपोरेट के बीच में मैंने बताया अब जो है इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सुटेड करियर कौन सा है एंड उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं नाउ यू आर ए पर्सन एंड नाउ यू विल बी एबल टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन तो ऑल द बेस्ट फॉर एक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आप अपने लिए अच्छी करियर जो है ग्राफ चूज करे सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो थैंक यू